अभी सभी डॉक्टर्स से बात हुई है, तबित्या साहब का तबीयत अब पहले से बेटर है, ऑपरेशन हो चुका है। यद्यपि थोड़ा स्थिति अंडर वॉच है पूरी तरह से, सीनियर डॉक्टर्स लगातार उनको अटेंड कर रहे हैं। ये बात भी कही गई है कि एकदम वो स्टेबल हैं, तो ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। और अभी तक की जो इस घटना की प्रगति है उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है, कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। अभी तक की रिकवरी में जैसे आप जानते हैं एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, दो पिस्टल्स और एक कार्बाइन जो राइफल नुमा है, वो सभी फैक्ट्री मेड इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। करीब आधा घंटा पहले फॉर्चुनर गाड़ी जो इस हत्या के प्रयास में इस्तेमाल हुई थी वो भी अभी बरामद हो गई है, उसमें भी हमारी फॉरेंसिक की टीम और उसकी सर्च जारी है। बहुत सारे क्लूज हमारे पास आए हैं, पुरानी पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए बहुत लोग उठाए गए हैं और उनसे लगातार बातचीत चल रही है, जैसे ही कोई हमें कॉन्क्रीट लाइन मिलेगी तो हम निश्चित रूप से आपको अवगत कराएंगे। गाड़ी कहाँ से बरामद हुई है, क्या नंबर है, किस नाम पर रजिस्टर्ड है? ये गाड़ी थाना निवाड़ी क्षेत्र में अभी अभी जस्ट आधा घंटा पहले बरामद हुई है, हमारी टीम उसकी सर्च कर रही है और फॉरेंसिक टीम भी उसके साथ उसका मुआयना कर रही है। उसमें से जितने भी हमारे को इम्पोर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंसेस मिलेंगे उसको एकत्रित किया जा रहा है और निश्चित रूप से हम उसको इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। जो रास्ते ही कहा जा रहा है ये बरामद हुई, कहाँ बरामद कहाँ हुई? देखिए जैसे ये घटना कारित हुई है, सूचना मिलने पर पुलिस की घेराबंदी हुई है और पुलिस की घेराबंदी में जब पुलिस आगे पीछे इनके भागी है तो इन लोगों के द्वारा ये हथियार जो है फेंक कर ये लोग भागे हैं और वो हथियार हमारे पास बरामद हो चुके हैं। ऑटो से ये हथियार बरामद हुए थे, ऑटो का क्या इससे इस ताल्लुक था? नहीं, अभी ऑटो वाली कोई बात ऐसी नहीं है, जो बात मैंने बताई है वही सही है। बहुत सारे लोग जैसे मैंने बताया, डिफरेंट टीम्स ने बहुत सारे लोगों को रात में सस्पेक्ट्स को उठाया है और उनसे अलग अलग से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बहुत सारे एंगल्स पे हमें काम करना होगा और हम उस पर कर रहे हैं। सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि रंजिशन ये हुआ है, तो क्या आपराधिक प्रवृत्ति के वो लोग, क्या इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था ब्रजपाल जी का, कोई ऐसे पहले इनके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ था, इनको थ्रेट मिला था, सिक्योरिटी इनकी हटा ली गई? सर देखिए अब कई सारे मैटर्स हैं, कई सारी लाइंस हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को खुलासा भी करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन। अभी तक की जानकारी के अनुसार हमारा ध्यान जो केंद्रित हो रहा है वो पर्सनल एनिमिटी पे हो रहा है, उसी पे हम अभी कार्य कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने बताया बहुत सारी लाइंस हैं, अगर हम इसका खुलासा प्रेस में करेंगे, मीडिया में करेंगे तो निश्चित रूप से अभी हमें थोड़ी गोपनीयता बरतनी होगी और हम उसी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। ये अभी हमारी टीम उसको उसके जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर की, उसका इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, बाहर नंबर क्या है, कहाँ से चोरी है या लूटी गई है, वो सब रिकवर अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल में आधा घंटा पहले ही रिकवर हुई है। निवाड़ी थाना क्षेत्र से डिटेन आप मानिए कि बहुत सारे लोग डिटेन हुए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है।